गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी विल बी डूइंग इंग्लिश राइटिंग. आज हम इंग्लिश राइटिंग करेंगे. सो टेक आउट योर इंग्लिश राइटिंग एंड डिक्टेशन कॉपी. ये वर्क आप अपनी डिक्टेशन और राइटिंग कॉपी में करेंगे. राइट टुडे इज डेट 19/6/20, हेडिंग इंग्लिश राइटिंग. एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग, फार्मर जैक, फार्मर मतलब किसान, जैक उनका नेम था, फीड्स द एनिमल्स. फार्मर जैक जो थे वो एवरी मॉर्निंग, हर मॉर्निंग एनिमल्स को खाना देते थे. द हॉर्सेस ईट द हे. हॉर्सेस क्या खाते थे? वो सूखी घास खाते थे. सूखी घास को क्या कहते हैं? हे. द हेंस ईट ग्रेन्स. हेंस क्या खाती थी? वो ग्रेन्स. ग्रेन्स मतलब दाने. द काउस ईट ग्रास. एंड काउ क्या खाती है? ग्रास. ग्रास मीन्स घास. देन ही मिल्क्स द काउ. फिर वो काऊ में से मिल्क निकालता है. द हेंस ले एग्स. हेंस एग्स देती हैं. ही कलेक्ट्स द एग्स. फिर वो एग कलेक्ट कर लेता है. ही गोज़ टू द मार्केट. फिर वो मार्केट जाता है. मार्केट मतलब बाजार जाता है. टू सेल एग्स एंड मिल्क. क्या बेचने? एग्स बेचने और मिल्क बेचने. फार्मर जैक इज हैप्पी. फिर फार्मर जैक जो होता है वो हैप्पी हो जाता है. ओके चिल्ड्रेन, सो दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे. आपको इंग्लिश राइटिंग करनी है इन अ वेरी नाइस राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पैराग्राफ चेंज हुए हैं. जहाँ पे पैराग्राफ चेंज होता है वी लीव वन फिंगर स्पेस. यहाँ पे आप वन फिंगर स्पेस छोड़ेंगे, लाइक हियर. यहाँ पे भी आप छोड़ेंगे एंड यहाँ पे भी आप छोड़ेंगे. ओके चिल्ड्रेन, एंड आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस ड्रॉ मार्जिन यूजिंग योर स्केल्स. दिस इज़ योर वर्क फॉर टुडे. थैंक यू.